गोरखपुर जिले में सोमवार को यहां शहरी क्षेत्र में कोरोना का मात्र एक मरीज गोरखनाथ थाना क्षेत्र में मिला है। वहीं लखनऊ में इलाज के दौरान एक कोरोना संक्रमित मरीज 66 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 21,457 हो गई है। इसमें 356 की मौत हो चुकी है, 21,058 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस महज 34 रह गए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि कोरोना के मरीज अब बेहद कम हो चुके हैं। इसके बाद भी लगातार जांच कराई जा रही है, जल्द ही जिले को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इससे लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कि कोरोना की वैक्सीन सभी को लग नहीं जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।